एवरीवन, देखो होता क्या है कि कैंडिडेट को एक क्लिक पता चल जाता है फॉर्म फिलिंग का, कितना फॉर्म फिलिंग हुआ है, तो थोड़ा उन्हें अच्छा लगता है। कल शाम के 5 बजे का डेटा है नाविक जीडी का, डीबी का इससे कम फॉर्म फिल हुआ होगा, डीबी का इससे कम फॉर्म फिल हुआ होगा, लगभग मान लो अगर ये 3 लाख पहुंचे हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 2,81,253, मतलब 2,81,253 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ शाम के 4:30 बजे तक। एवरेज आप देख सकते हो, यहाँ पे 4:30 बजे आपका इधर शो हो रहा है इधर, ठीक है, और मैं 5 बजे तक आपका टाइम था, मैं मैक्सिमम 3 लाख आपका फॉर्म फिल करके रखता हूँ, जो प्रीवियस टाइम के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम हो गया, पिछली बार 370-380 था, हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा फॉर्म फिलिंग कोस्ट गार्ड पे भी कम हुआ है, ठीक है, अब पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन पिछली बार के कंपेरिजन में यहाँ पे कम हो गया। 2,81,253, ठीक है, ये टोटल फॉर्म फिलअप का नंबर है, जिनको जानना है यहीं से जान लो कि आपका 3 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी पे, और लगभग 1.5 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है आपका डीबी पे, ठीक है, फॉर्म फिलअप वाली चीज खत्म होगी, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, आपका टाइम जरा भी नहीं लगेगा। सॉरी, अभी थोड़ा सा फीवर वाला ऐसा सीजन चल रहा है, बस अब आपका आ जाता है एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड डेट, फटाक से बता देता है जिससे कैंडिडेट का डाउट क्लियर हो जाए और अपना प्रिपरेशन भी लग जाए। देखो आपके पास पेपर तैयारी के लिए ज्यादा समय है नहीं, एग्जामिनेशन आपका पैटर्न पता होगा आपको, आपको अगर किसी भी डाउट में, किसी भी चीज में कुछ भी डाउट आ रहा है आप कॉमेंट करिए, ठीक है, वो डाउट क्लियर किया जाएगा। और मैं बता देता हूँ, जो भी भाई सीनियर हो, पहले एग्जाम दे चुके हो, आप ऐसा किया करिए कि अगर कोई पूछ रहा है और मैं अगर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो आप रिप्लाई कर दिया करें उससे, तो उससे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ अ कमेंट। अगर कोई कमेंट करता है तो किसी होप से ही करता है कि भाई रिप्लाई करेगा या फिर हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। मान लो मैं किसी से पूछता हूँ भैया ईडब्ल्यूएस हमारा नहीं बना है, और हमसे कोई पूछता है ईडब्ल्यूएस के बारे में, हमें पूछना है ईडब्ल्यूएस के बारे में, हमारा इसके 4 दिन बाद यूज है और कोई नहीं बताता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, सिंपल सी बात है। तो प्लीज अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो आप कर दिया करो, वो फिर किसी भी वीडियो में हो सकता है, और बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो करते भी हैं, तो उनको थैंक यू सो मच, नहीं भी करते तो भी सो मच। मिड एंड अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम होगा और मिड एंड जनवरी 2030 में आपका ये होगा। स्टेज सेकंड की हम बात अभी नहीं करेंगे और स्टेज थर्ड की भी बात नहीं करेंगे। आप रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म फिल किया है तो इससे पहले आपका सारा का सारा प्रोसेस होगा, लेकिन इसका भी मैं बता देता हूँ। मिड इन नवंबर में आपका पेपर होने वाला है, तो देखो यहाँ पे मिड इन नवंबर मैं आपको एक डेट बता देता हूँ, 20 से 25 नवंबर के बीच में आपका पेपर होगा, 20 से 25 नवंबर के बीच में आपका पेपर होगा। आपके पास 2 महीने का समय नहीं है, आपसे 2 महीने का समय आज लिख लीजिए, आप 2 महीने से ज्यादा की तैयारी आपके पास नहीं है, 60 डेज से ज्यादा का समय नहीं है। टारगेट आपका 80 नंबर का है, अनरिजर्व कैटेगरी को मैं मायने रख के चलता हूँ, आप SC हो, आप ST हो, आप OBC कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, भाई साहब अगर आप 80 का टारगेट रखोगे आपको फाइनल में कोई बाहर नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड की अगर बात कर लेते हैं, एडमिट कार्ड आपका कब आ जाता है, तो एडमिट कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो कहाँ गया, चलो मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे लिखा होगा। होता क्या है, सिंपल से मैं बता देता हूँ, एडमिट कार्ड जो होता है वो आपका एग्जाम के 15 दिन पहले, एग्जैक्ट 15 डेज पहले, मतलब जैसे आपका मैं कहता हूँ 25 तारीख को पेपर है, तो लगभग 13 तारीख को, ठीक है, 12-13 दिन पहले, लगभग 13 तारीख को आपको सबसे पहले, एक दिन पहले ही अपने को पता चल जाता है एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट, एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट अपने को पहले ही पता चल जाता है, एक दिन पहले ही पता चल जाता है कि हमारा एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट कल शाम को 5 बजे आएगा, और अगले दिन शाम को 5 बजे आ भी जाता है। तो ये तो लगभग मैं बोलूंगा, अगर 25 तारीख को आपका पेपर होगा, 25 नवंबर को आपका पेपर होगा, तो 15 नवंबर को आपका पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस सिटी में है, मतलब आपके पास 50 डेज का टाइम है, मैक्सिमम 50 डेज का टाइम है, 50 दिनों का समय है, जो भी जितना पढ़ लेगा उसी का सिलेक्शन इंडियन कोस्ट गार्ड में हो जाएगा। अप्रैल अगस्त बैच के लिए आई थिंक ये है, ठीक है, अप्रैल यहाँ तक, अप्रैल मई तक आपका सारा का सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। स्टेज थर्ड तो आपका चिल्का में ही होता है, तो बस वहीं पे आपका ज्वाइनिंग होता है फाइनल, ठीक है। हाँ चलो, तो चीजें क्लियर हो गई, बस यही बताना था कि आपका एडमिट कार्ड होगा वो 15 दिन पहले आ जाएगा, एग्जाम आपका 25 नवंबर को होगा, मतलब अगर एग्जाम मतलब इस डेट को अगर होगा तो एग्जाम आपका ये एडमिट कार्ड इतना आ जाएगा, 2-3 लाख आपका फॉर्म, 3 लाख आपका फॉर्म फिलिंग हुआ है। अब इतना शॉर्ट में मैंने बता दिया, इसमें अब इसमें क्या बताना, रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका रिजल्ट आ जाएगा विद इन 30 डेज, 30 दिनों के भीतर हर एक एग्जाम के आपके रिजल्ट आते रहेंगे, प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, और अगर इसके लिए मॉक टेस्ट लगाने तो परीक्षा एप्लीकेशन पर जाकर लगा सकते हो, एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिया गया है, 2 कोड का ऑप्शन आएगा तो BSA50 का यूज कर लेना, BSA50 का यूज कर लेना, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर अपना कोड ऑनलाइन D50 भी है,
इन दोनों कोड में कोई एक यूज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकालो और ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हो। कोई क्वेरी है तो कमेंट में आज कर लेना, वीडियो देखने लेते हैं। थैंक यू सो मच, जो चीज बतानी थी वो तो मैंने बता दी, इतना टाइम भी नहीं लिया आपका। टेक केयर, ध्यान रखिए खुद का, पढ़ते रहें। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।